दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ। आपने कई जगह पर सुना होगा कि हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करके ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे किया जाता है ये ऑप्शन चेन एनालिसिस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बातें नहीं बताने वाला हूँ कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं है तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि ऑप्शन क्या होता है, कॉल पुट, ये सारी चीज़ें ऑप्शन के जो बेसिक्स है वो पता कर लीजिए। उसके बाद में ये ऑप्शन चेन एनालिसिस आप सीखने की कोशिश करिए तो आपको आसानी होगी ये सीखने में। दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस करके हम पता क्या लगाते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस करके हम रेंज पता लगाते हैं कि निफ्टी की क्या रेंज रहने वाली है, बैंक निफ्टी की क्या रेंज रहने वाली है, या फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस हम कोई स्टॉक का भी कर सकते हैं, जो फ्यूचर का स्टॉक है उसका भी कर सकते हैं। तो मान लो ऑप्शन चेन एनालिसिस करके आपने एक रेंज निकाली 200 पॉइंट से लेकर तो 400 पॉइंट की रेंज। अब ये रेंज निकाली तो इसका मतलब क्या है कि जब भी वो स्टॉक मार्केट 200 पॉइंट पे आएगा तो आपको खरीदारी करना है, 400 पॉइंट पे आएगा तो आपको बिक वैली करना है। ये रेंज आपको पता चल गई, मतलब आपने रेंज निकाला। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करके आपकी जो रेंज आई है इसका मतलब ये हो रहा है कि मार्केट 200 के नीचे नहीं जाएगा और मार्केट 400 के ऊपर नहीं जाएगा। तो 200 पे जब भी मार्केट आ रहा है तो आपको खरीदना है, 400 पे जब भी मार्केट आ रहा है तो आपको बेचना है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस करके हम रेंज निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करके बताता हूँ। आप गूगल पर जाइए और गूगल पर सर्च करिए ऑप्शन चेन और उस पर क्लिक करिए। तो पहला ही जो आ जाता है वो आ जाता है NSE की वेबसाइट, जो NSE की वेबसाइट वाला ऊपर लिखा है ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन चेन का पूरा डेटा आ जाएगा। देखिए इसमें अभी हम निफ्टी का देख रहे हैं तो देखिए अभी नीचे आप देखोगे तो ये ऑप्शन चेंज का पूरा डेटा आपके सामने मिल रहा है। ये आपको ये देखिए ये ऑप्शन चेंज का पूरा डेटा है। इस समय जो निफ्टी अभी लास्टली क्लोज हुआ है वो 18,269 यहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है और ये अभी करंट स्ट्राइक प्राइस जो है 18,300 का जो है ना स्ट्राइक प्राइस, इसके आसपास के ऑप्शन चेंज एनालिसिस यहाँ पे हमें पूरा दिख रहा है। तो ये ऑप्शन चेंज का चार्ट है। तो बहुत सारे लोग ये ऑप्शन चेन का चार्ट देखते हैं बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा समझा के बताऊंगा कि ऑप्शन चेन को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और उसके जरिए हमें करना क्या है, ये एनालिसिस करके हमें मिलता क्या है। ऑप्शन चेन एनालिसिस करके हमें रेंज मिलती है, हमें एक रेंज डिफाइन करना होता है कि ये रेंज में मार्केट घूमेगा। मान लो ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके आपने पता लगा लिया कि 200 से 400 पॉइंट की रेंज आपने पता लगा ली, तो जब भी मार्केट 200 पॉइंट पे आएगा तो आपको खरीदना है, 400 पॉइंट पे जाएगा तो बेचना है, ये रेंज आपकी पता लग गई। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके आप पता लगा सकते हो। तो ये ऑप्शन चेन में बहुत सारे कॉलम है, अलग अलग कॉलम है। देखिए पहला कॉलम है OI, OI मतलब ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट किसे बोला जाता है, ओपन इंटरेस्ट मतलब जो भी पोजीशन ओपन है उसे ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है, मतलब कॉल आपने खरीद लिया बट बेचा नहीं, स्क्वायर अप आपने नहीं किया तो वो पोजीशन ओपन हो गई तो उसे ही बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में जितना भी डेटा दिया हुआ है ये कॉल का डेटा है और राइट साइड में जितना भी डेटा दिया है ये पुट का डेटा है। ठीक है, अभी इसमें अलग अलग कॉलम है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, IV, ठीक है, LTP, चेंज, बिट क्वांटिटी, बिट आस क्वांटिटी, फिर बीच में जो डेटा है, बीच में जो कॉलम है वो है स्ट्राइक प्राइस का, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसमें तीन कॉलम इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम और जो इधर में ओपन इंटरेस्ट है कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम और पुट का ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम। मतलब कॉलम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बीच वाला कॉलम सबसे ज्यादा, बीच वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है और पहले नंबर का कॉलम इंपॉर्टेंट है और लास्ट नंबर का कॉलम इंपॉर्टेंट है। तो बीच का कॉलम, पहला कॉलम और लास्ट का कॉलम, ये सिर्फ तीन कॉलम पर आप नजर रखिए, बाकी सारे कॉलम आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहां पर और जब हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे और आपको स्ट्राइक प्राइस सिर्फ वही वाली देखना है जो होल नंबर वाली है। इस समय निफ्टी 18,269 पे क्लोज हुआ है तो अभी जो कैलकुलेशन हम करेंगे 18,300 का जो निफ्टी है, मतलब ये बहुत नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 18,300, तो हमें जो होल नंबर वाले स्ट्राइक प्राइस देखना है तो हम देखेंगे 18,400 का स्ट्राइक प्राइस, 18,500 का स्ट्राइक प्राइस, 18,600 का, इस तरीके से 18,200, 18,100, 18,000, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें होल नंबर वाले स्ट्राइक प्राइस पे फोकस करना है, जो इस तरीके के स्ट्राइक प्राइस है 18,250, 18,150, उसे आप इग्नोर करिए। तो हमें करना क्या है, हमें इसमें PCR निकालना है। PCR मतलब पुट कॉल रेशो। ये PCR निकलता कैसे है, PCR निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट। जब हम ऊपर की तरफ कैलकुलेट करेंगे ना, इस चार्ट में हम कैलकुलेट करते हुए जाएंगे, धीरे 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 कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। अभी 18,300 का ये नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, 18,200 की तरफ हम जाएंगे, 18,100 की तरफ जाएंगे, 18,000 की तरफ हम जाएंगे और हम
PCR निकलते जाएंगे, पुट कॉल रेशो, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट, जो 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 निकल कर आएगा उसे बोला जाता है PCR। और ये जो PCR है ये हमारा 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। धीरे धीरे हम कैलकुलेट करते भी जाएंगे ऊपर की तरफ, और जहां हमें 10 का नंबर मिल जाएगा वहां पर हम रुक जाएंगे, वही हमारी रेंज बन जाएंगी। और नीचे की तरफ हम जब कैलकुलेट करते हुए आएंगे तो फॉर्मूले को हम बदल देंगे, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कॉल ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पुट ओपन इंटरेस्ट। उस केस में भी जो आएगा वो जो नंबर आना चाहिए वो 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए। हम नीचे कैलकुलेट करते हुए धीरे धीरे नीचे कैलकुलेट करते हुए आएंगे, और जहां पर हमें 10 या 10 से ज्यादा का नंबर मिल गया वहां पर हम रुक जाएंगे और वहीं पर हमें रेंज मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम ऊपर की रेंज भी हमें मिल जाएंगी और नीचे की रेंज भी हमें मिल जाएंगी। चलिए अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो दोस्तों अब हम PCR निकालते हैं। अब देखिए जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है हमारा वो है 18,300। तो अब इसका PCR हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम पुट का ओपन इंटरेस्ट ले लेते हैं जो कि है 75,991, और इसको हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे जो कि है 86,509, तो निकल कर आता है 0.88। ये नंबर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि हमें वो वाला नंबर चाहिए जो 10 या 10 से ऊपर होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पर चलेंगे जो कि है हमारा 18,200 का स्ट्राइक प्राइस। अब जब हम 18,200 का स्ट्राइक प्राइस पे जा रहे हैं तो वहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 61,280, उसको हम डिवाइड करेंगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से जो कि आ रहा है 13,832। इसको डिवाइड करने के बाद एक नंबर आता है, वो आता है 4.430। ये नंबर भी हमें चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि ये 10 से नीचे है ये नंबर। अगेन हम दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे चलेंगे और आगे की स्ट्राइक प्राइस पे, तो हमारी अगली स्ट्राइक प्राइस है 18,100। हम होल नंबर वाली ही स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, ठीक है। तो 18,100 का जब हम देखते हैं तो पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 82,986। इसको डिवाइड करेंगे हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट से जो कि कितना है? 14,962। तो जो नंबर निकल कर आता है वो आता है 5.55। ये नंबर चलेगा कि हमें ये भी नंबर नहीं चलेगा, हमें 10 या 10 के ऊपर वाला नंबर चाहिए। अब हम अगली स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं जो कि है हमारी 18,000 की स्ट्राइक प्राइस। अब देखिए हम 18,000 की स्ट्राइक प्राइस का पुट का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो जो कि कितना है? 109,524। इसको हम डिवाइड करेंगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट से जो कि कितना है? 5,680। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो नंबर निकल कर आता है 19.28। यस, ये नंबर हमें मिल गया। हमारा जो टारगेट वही था कि 10 या 10 के ऊपर वाला नंबर, तो ये नंबर हमें मिल गया। तो ये रेंज हमें मिल गई है 18,000 स्ट्राइक प्राइस पे, ये नंबर हमें मिला है। तो ये रेंज हमें नीचे की रेंज मिली है। तो इस समय निफ्टी जो है 18,269 है, नीचे की रेंज हमें मिल गई है 18,000। तो ये नीचे की रेंज हमें फाइंड आउट कर ली है। अब हमें ऊपर की रेंज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें नीचे का कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम नीचे का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फॉर्मूला बदल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला अब यहाँ पर क्या रहेगा, कॉल का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पुट का ओपन इंटरेस्ट, ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, 18,300 तो पहले ही कैलकुलेट कर दिए, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 18,400 को हम कैलकुलेट करेंगे, 18,400 का स्ट्राइक प्राइस। तो सबसे पहले हम कॉल का ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 150,044, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद में हम पुट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 82,464, इसको हम डिवाइड करेंगे तो नंबर निकल कर आता है 0.18। ये नंबर हमें चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि ये नंबर 10 से कम है। अगली स्ट्राइक प्राइस पे हम चलते हैं जो कि 18,500 वाली स्ट्राइक प्राइस। अब इसका हम कॉल का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं जो कि कितना है? 140,261, इसको हम डिवाइड करेंगे पुट के ओपन इंटरेस्ट से जो कि कितना है? 27,818। तो नंबर निकल कर आता है 5.04। ये नंबर हमें चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि हमें नंबर 10 के ऊपर का चाहिए। अगली स्ट्राइक प्राइस पे हम चलते हैं जो कि 18,600 की स्ट्राइक प्राइस। इसका कॉल का ओपन इंटरेस्ट हम देख लेते हैं जो कि कितना है? 168,093। अब पुट का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं जो कि कितना है? 17,827। इसको अगर हम डिवाइड करें तो नंबर निकल कर आता 9.43। 10 के आसपास ये नंबर जरूर है, बट 10 से अभी भी कम है, तो हमें ये नंबर भी नहीं चलेगा। हम अगली स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं जो कि है 18,700 की स्ट्राइक प्राइस। 18,700 की स्ट्राइक प्राइस जब हम देखते हैं तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं तो कितना है? 1,29,623। और पुट की ओपन इंटरेस्ट का जब हम स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं तो वो कितना है? 8,427। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो नंबर निकल कर आता है 15.38।
ये नंबर हमें मिल गया, ये नंबर चलेगा क्योंकि नंबर 10 के ऊपर का है। तो ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमें मिला है? ये मिला है 18,700 की स्ट्राइक प्राइस पे, 18,700 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये ऊपर की रेंज हमें मिल गई। तो इस समय निफ्टी 18,269 चल रहा है, नीचे की रेंज हमें मिली है 18,000 की, ऊपर की रेंज हमें मिली है 18,700 की। तो हमें क्या करना है, जब भी निफ्टी 18,000 के आसपास आए तो हमें खरीदारी करना है, और 18,700 पे जब निफ्टी जाए तो हमें बिकवाली करना है। तो ये रेंज मिल गई है, ये रेंज में हमें खेलना है। अगर आप निफ्टी के चार्ट पर भी देखोगे तो इसी लेवल पर आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा। देखिए ऊपर की तरफ 18,700 के आसपास आपको देखिए रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और नीचे 18,000 के आसपास आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो चार्ट भी क्लियरली वही रेंज बता रहा है। तो इस तरीके से हम PCR पुट कॉल रेशो निकाल कर एक रेंज बना सकते हैं, निफ्टी कौन से रेंज में खेलेगा, और उसी रेंज में हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉल पुट में खरीदारी बिकवाली करके हम पैसा बना सकते हैं।